ब्रेक के बाद आपका स्वागत। वाकई शौक कई बार मुसीबत वाला भी बन जाता है और जिसका खामियाजा भुगता एक इस कारोबारी। चलिए अब आपको बताते हैं एक कुछ शातिर की करतूत के बारे में, जिसने करीब 7 दिन पहले जयपुर पुलिस के पसीने छुड़ा दिए थे। आधी रात के वक्त पहले 3 लड़कियों को अगवा किया गया और फिर 2 लड़कियों को बीच रास्ते छोड़कर 1 लड़की को अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश और फिर उसकी हत्या का प्रयास। लेकिन इस वारदात के बाद जयपुर पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया और वारदात का राजफाश भी कर दिया। लेकिन अब इस शातिर को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। रिपोर्ट जयपुर से। आधी रात के वक्त 3 लड़कियों के साथ राजधानी जयपुर में हुआ गुनाह ना तो पब्लिक भूल पाएगी और ना ही जयपुर पुलिस, क्योंकि यह वारदात अपने आप में काफी खौफनाक थी। जयपुर के सीएसके में स्थित एक पब से आधी रात को 3 लड़कियों को बेवकूफ बनाकर अपनी निजी कार से अगवा करने वालों को पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर लिया था और पुलिस को इस रिमांड अवधि के दौरान आरोपी शख्स नीरज से घटना को लेकर कई राज जानने थे। हालांकि पुलिस ने इन 3 दिनों में पीड़ित लड़की का मोबाइल भी बरामद कर लिया और दूसरे राज भी जाने, जिसके बाद गुरुवार को एक बार फिर पुलिस ने आरोपी युवक नीरज को कोर्ट में पेश किया, जहां से अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसने जब पूछताछ के दौरान बताया था कि भाई 3 लड़कियां जब गाड़ी का बहाना किया ना, और 3 लड़कियों के बीच में तो कुछ कर छीन पाया नहीं है, 2 को उतारा और 1 को लेके भग गया था। ये तो इसके उसी दौरान दिमाग में की उपज आई। मोबाइल था, मोबाइल हमने जब्त कर लिया है और आज पेश किया, 15 दिन का जेसी दिया है। आपको बता दें कि पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी नीरज लेट नाइट पार्टियों का शौकीन रहा है और वो इन पार्टियों में अपनी अलग अलग गर्लफ्रेंड्स को साथ लेकर जाता था और उस वारदात वाले दिन भी पार्टी में शराब के नशे में जब वो अन्य युवतियों से गलत हरकतें करने लगा तो ब्लैकआउट पब के बाउंसर्स ने उसे बाहर निकाल दिया था। जैसे गुस्सा ही नीरज ने फिर गुनाह की जो इबारत लिखी उसके बाद तो राजधानी में हंगामा मच गया और पुलिस के भी पसीने छूट गए। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारी कहते हैं कि वारदात वाली रात को भी वो पुलिस की नीली बत्ती वाली गाड़ी को देख भाग गया था और उसकी मंशा भी यही थी कि वो उस लड़की का कत्ल कर दे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और लड़की की जान बच गई। वो दोबारा इसको चेक करने के लिए आया था कि लड़की मरी है या जिंदा है, तो लड़की ने वहां से जगह थोड़ी शिफ्ट कर ली थी, फिर पुलिस भी मौके पहुँची, उन्हें इन्फॉर्मेशन फ़ोन आ गया था, हमारे एसीपी साहब हैं जो वो मौके पहुंच गए थे। इससे पहले मैं खुद राउंड लगा के आया था, वो राउंड की वजह से नीली बत्ती देख के वो छोड़ के भग गया था डाल के नाले में। लड़की कपड़े फटे हुए थे, लड़की उसके चेहरे पे 2-4 चोट के निशाने थे, बाकी ठीक थी। अब इसका प्रयास तो इसको मारने का ही था प्लान।
पुलिस ने पिछले 3 दिनों की रिमांड के दौरान आरोपी नीरज से काफी गहन पूछताछ की है। इससे घटना स्थल का मौका देखा गया और उसकी हर हरकत की जानकारी ली गई। हालांकि अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई तो पूरी कर ली और अब वो इस तरह की वारदात ना हो इसके लिए भी खुद को तैयार कर रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी के माहौल में भारत की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। बाड़मेर और सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस की सतर्कता के चलते बाड़मेर जिले के सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्र से 2 अलग अलग जगह से 2 संदिग्ध नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पहली कार्रवाई में बाड़मेर ग्रामीण थाना पुलिस ने बाड़मेर जिले के उत्तरालाई एयरफोर्स स्टेशन से 1 संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम जारू फकीर बताया जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ के लिए बाड़मेर गई जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने घंटों तक उससे पूछताछ की। इसके अलावा गडरा रोड थाना पुलिस ने बिना अनुमति सीमावर्ती क्षेत्र में घूम रहे पंजाब के रहने वाले गुरप्रीत सिंह को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है और कोयले का कारोबारी है। अलवर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उद्योग नगरी इलाके में एक फैक्ट्री में लोड बढ़वाने की एवज में रिश्वत की मांग करने वाले जयपुर विद्युत वितरण निगम के एक बाबू को 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस के मुताबिक पार्स मिनरल कंपनी के मैनेजर सुशील कुमार ने 7 अक्टूबर को एक परिवाद दिया था जिसमें बताया कि उन्हें उनकी कंपनी में बिजली का लोड बढ़वाना है। इस संबंध में संबंधित बाबू राधेश्याम से वो मिला। उन्होंने पहले तो फाइल लेने से इनकार कर दिया और रिश्वत की मांग की। उन्होंने रिश्वत में 2000 रुपये मांगे। इसकी शिकायत का ACB द्वारा सत्यापन कराया गया जो शिकायत सही पाई गई जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और डायलैंडेड में आज फिलहाल इतना, लेकिन रहे सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचाने और करें डायल 100। नमस्कार।